Hello everyone, a warm good evening to all my dear students. This is Divya Chandwani and I welcome you all on Let's Crack 7 CBSC. How are you kids? I hope you all are safe and enjoying your Diwali breaks. Actually, ab is saal Diwali breaks ki to hum kya hi baat karein. Pura saal hi hamare liye break hi break tha. So, I hope ab aap logon ne acche se apni padhai start kar di hogi because your exams are quite near. So, I want you all to work hard and to get good marks in your exams. Okay, kyunki humne saal bhar khoob masti kar liye. Now, it's high time ki hum bahut acche se apni पढ़ाई करें. ओके सो किड्स आई वेलकम यू ऑल ऑन लेट्स क्रैक 7 सीबीएसई. दिस इज माय इंट्रोडक्शन. माय नेम इज दिव्या. आई हैव डन माय बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. आई हैव मोर देन 2 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. आई हैव मेंटर्ड मेनी स्टूडेंट्स फॉर एनटीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स एंड आई एम अ फैकल्टी इन कोटा राजस्थान. सो बच्चा लोग, आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास. एंड एज यू ऑल नो, वी हैव स्टार्टेड लिटरेचर फ्रॉम यस्टरडे. कल से हमने लिटरेचर चालू करी थी. सो यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 3 क्वेश्चंस. आई होप इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड आई होप आपको उससे एक अच्छा मॉरल मिला हो, क्योंकि जो 3 क्वेश्चंस का आंसर हरमिट ने दिया था, दैट वाज रियली रियली वंडरफुल. सो इन टुडेज चैप्टर वी आर गोइंग टू डू अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. तो जिन भी लोगों ने एनसीईआरटी में ये देखा होगा, उनको पता होगा दैट दिस चैप्टर इज बिट लेंथी. But we will definitely cover this topic in today's session only. So it's going to be a bit lengthy session. थोड़ा सा ये session लंबा हो सकता है, क्योंकि chapter हमारा बहुत बड़ा है. But we will definitely cover it today. A gift of chappals. So let me know in the live chat quickly. आप में से कितने बच्चों ने gift of chappals already पढ़ा हुआ है? So now kids, before starting the session, let's quickly see what are the benefits that you all can get when you will subscribe to an academy. First is daily live classes, second is live tests and quizzes, third is structured courses. That means if you want to prepare for any exam, any Olympiad, you will get a structured and a designed course for it. Next is unlimited access. That means you will have access to all the educators teaching on this platform. Plus, bachcho aapko milenge PDF notes. प्लस आपके सारे डाउट सॉल्व करे जाएंगे प्लस पे, क्योंकि 3 लेक्चर्स में वी आर गोइंग टू टीच यू एंड 4th लेक्चर विल बी अ डेडिकेटेड डाउट सेशन. सो ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व देयर. ओके सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू ऑल कैन गेट? चलिए तो ये तो हो गई बच्चों हमारे बेनिफिट्स की बात. नाउ दोज़ हू वांट टू परचेस एन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, व्हाट दे हैव टू डू इज सिंपली डाउनलोड एन अकेडमी लर्निंग ऐप. जल्दी से आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. ओके सो दिस इज आवर अनअकैडमी लर्निंग ऐप. प्लीज डाउनलोड इट क्विकली. एंड मैनेज गोल्स में यू कैन सिलेक्ट योर क्लास, व्हाट एवर योर क्लास इज. फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन 10th, ओके, और 11th, एंड योर ब्रदर इज इन 7th. सो काइंडली गो फॉर 7th क्लास सब्सक्रिप्शन, बिकॉज 7th के ऊपर देन जितनी भी क्लासेस है 7th टू 12th, आप सीबीएसई क्लास 7 से सीबीएसई क्लास 12th के सारे कोर्सेज बीच में एक्सेस कर पाओगे. दैट मीन्स वन सब्सक्रिप्शन, बट आपके घर में अगर 2 भाई बहन है, 3 भाई बहन है, आप सब उससे पढ़ सकते हैं. तो जैसे ही आप सीबीएसई क्लास 7 पे क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे, यू कैन सी दिस प्लान ओवर हेयर. 1 month का कॉस्ट इज नाउ 3,000 rupees. सो इफ यू थिंक, इफ यू हैवन डाउनलोडेड एन अकेडमी लर्निंग ऐप येट, यू हैवन अटेंडेड एनी स्पेशल क्लास, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो ही आपको 1 month का लेना चाहिए. अदरवाइज एटलीस्ट ट्राई टू गो फॉर 6 months, 12 months. We have a plan of 18 months also, that is quite economically feasible. We have 24 months ka plan and 36 months ka plan also. 6 months ka cost hai bachcho 10,000 rupees, 12 months ka cost hai 15,000 rupees, 18 months ka cost hai 20,000 rupees and 24 months ka cost hai 25,000 rupees. So if you think these subscription plans are a bit expensive for you, so please do use my code Divya10 and you will get an instant discount of 10%. तो बच्चों, जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिख जाता है अप्लाई अ रेफरल कोड. अप्लाई अ रेफरल कोड में आपको दिव्या10 एंटर करना है एंड बूम, यू विल गेट एन इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 10% किड्स. सो 6 months के लिए आपकी कॉस्ट हो जाएगी ओनली 9,000 rupees, 12 months के लिए आपकी कॉस्ट हो जाएगी सिर्फ 13,500 rupees, 18 months के लिए आपकी कॉस्ट हो जाएगी only 18,000 rupees. Okay, 18,000 is, kids, we all know, too less. That means per month we have to pay only rupees 1,000 rupees.
टिल 18 months. सो बच्चों 1000 rupees बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है. इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू प्रिपेयर ऑल योर सब्जेक्ट्स यू शुड डेफिनेटली डू इट. एंड 24 months का बच्चों हमारा कॉस्ट है 22,500 rupees. ओके सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज Divya10 एंड कीप सपोर्टिंग मी. ओके चलिए तो आरंभ करते हैं अपना गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट. सो those who are connected with me, let me know if you have read the chapter. Okay, jin jin bachchon ne ye chapter pad liya hai, gift of chappals. So let me know iske is chapter ke important characters kaun kaun se hain. Okay, meanwhile I'll send the link to few other kids in case they want to join us. Okay, और बच्चों कल हम लोग स्पेशल क्लास में क्विज लेंगे कल 9:30 पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का. तो इफ यू थिंक यू आर रियली गुड एट इट देन डेफिनेटली डू पार्टिसिपेट. ओके चलिए सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर चैप्टर दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. आई विल से क्विकली हाय टू ऑल माय लवली किड्स एंड देन वी विल प्रोसीड विद आवर क्लास. हेलो लीमो हाउ आर यू. हाय अस्मिता. द बुक कंटेन्स विच चैप्टर्स अस्मिता. डोंट यू फॉलो एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं बच्चों. हाय भविष्य हाउ आर यू. आपका कौन सा बोर्ड है? इज इट सीबीएसई बोर्ड और इज इट समथिंग डिफरेंट अस्मिता? क्योंकि एनसीईआरटी में तो बच्चों यही चैप्टर्स हैं. हाय यशलोक तिवारी हाउ आर यू बच्चा. ओके वेरी गुड बीबी गेमर्स. दैट मींस आज हमारे भविष्य बहुत ही अच्छे आंसर्स दे रहे हैं. मृदु रवि मीना एक म्यूजिक टीचर है. ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं गिफ्ट ऑफ चप्पल के. सो वेरी गुड किड्स. आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस. नाउ लेट्स क्विकली प्रोसीड विद आवर चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. ओके सो दोज़ हु आर कनेक्टेड विद मी बच्चों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो. ओके एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. ओके सो बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर ऑल ऑफ अस इज मृदु. फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज मृदु. ओके इसमें हमारे बहुत सारे बच्चों की हम बात करेंगे. एक है लली एक है रवि और एक है मीना. इनके क्या 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 ये करेंगे इस चैप्टर में दैट आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू टेल यू इन दिस सेशन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर. मृदु गोज टू रुकमणी'स हाउस. अब बच्चों सवाल उठता है कि हु इज मृदु एंड हु इज रुकमणी. सो नाउ क्विकली लेट मी नो दोज़ हु आर कनेक्टेड विद मी हु वॉज रुकमणी. रुकमणी कौन थी बच्चों? अच्छा आपका लिटरेचर में दूसरा बुक है तो कोई बात नहीं अस्मिता आप पढ़ लो क्योंकि चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है. आपको बहुत मजा आएगा अस्मिता. आई हैव लास्ट ईयर टॉट दीज चैप्टर्स टू माय स्टूडेंट्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं ये. ओके चलिए सो नाउ दोज हु हैव रेड द चैप्टर टेल मी हु वाज रुकमणी. अच्छा मृदु कौन थी? मृदु इज अ यंग गर्ल लिविंग विथ हर ग्रैंड मदर टापी एंड ग्रैंड फादर थाता इन चेन्नई. मृदु एक छोटी बच्ची है छोटी यंग गर्ल है जो अपने ग्रैंड मदर जिनका नाम है टापी और ग्रैंड फादर जिनका नाम है थाता उनके साथ चेन्नई में रहती है. मृदु गोज अलोंग विद टापी टू हर आंट रुकमणी'स प्लेस वन आफ्टरनून. नाउ गेट्स हु इज रुकमणी. रुकमणी जो है वो मृदु की आंट है आंटी लगती है वो उनकी. कौन? रुकमणी. तो मृदु अपनी दादी तापी के साथ एक दिन रुकमणी के घर पर जाती है दिन में. तापी टू हर आंट रुकमणी'स प्लेस वन आफ्टरनून. देयर शी मीट्स हर कजन्स लली रवि एंड मीना. और जब वो अपनी आंटी के घर जाती है तब वहां पे वो अपने कजन से मिलती है. उनके कजन्स कौन कौन थे बच्चों? मृदु के कजन्स थे लली रवि एंड मीना. ओके क्लियर एवरीवन? तो वो अपने कजन से मिलती है. एवरीवन एट रुकमणी'स हाउस वाज ग्लैड टू सी मृदु. अब जबकि वो अपने आंटी रुकमणी के घर गई थी तो रुकमणी के घर पे जितने भी लोग थे सब मृदु को देखकर बहुत खुश थे. उसके कजन्स भी बहुत खुश थे दैट यू नो फाइनली वी हैव आवर कजन एट आवर होम. ओके भविष्य आज फिर से आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये हमारा लिंक शेयर कर दीजिए प्लीज लिटरेचर का सो दे कैन ऑल्सो जॉइन अस. तो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल 7th class स्टूडेंट्स. अगर आपका कोई स्कूल का ग्रुप है इफ यू हैव योर फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ 7th class यू कैन सेंड द लिंक देयर ऑल्सो. ओके
Hi Arpita, how are you, bacha? How are you, sweetie? So everyone, please like the video quickly and subscribe to our channel so you can get all these fantastic quizzes and chapters here. और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो मैं सीरीज लेकर आ रही हूँ, वो सीरीज बच्चों हर वीकेंड पे होगी. सो हर वीकेंड पे आई विल टेक फ्यू क्विज. ओके, वेयर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स. नॉन अकेडमिक क्विज होगा. मैं हैरी पॉटर के सवाल पूछ सकती हूँ, मैं बिग बॉस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकती हूँ. देन आई आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स, इंडिया साइज एंड लोकेशन के क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. देन आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स इन द वर्ल्ड. तो दैट मीन्स वो बिल्कुल नॉन अकेडमिक क्विज होगा. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू डू वेल, प्लीज बी प्रिपेयर, अभी से तैयारी चालू कर दो. मोस्ट प्रोबेबली आई लॉन्च द सीरीज ऑन 29th of November. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टार्टेड फ्रॉम 29th of November. तो सब क्लास के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि वो अकेडमिक से रिलेटेड नहीं होगा, जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा यूजुअली. ओके, चलिए, वेरी गुड अंकित मिनाती. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू अ चैप्टर. दोस्त हु हैव जस्ट ज्वाइन मी, हमने बच्चों भी चैप्टर स्टार्ट किया है. जहाँ पे एक बच्ची का नाम है मृदु, ठीक है, वो अपने दादी और दादाजी के साथ रहती है. कहाँ पे रहती है? चेन्नई में. अब एक दिन, एक दोपहर को वो क्या करती है, वन आफ्टरनून शी डिसाइड्स, एंड वो अपने किसके साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी आंट के घर जाती है, अपने आंटी के घर, ठीक है, जिनका नाम क्या है, रुकमणी. रुकमणी के घर पे वो अपने कजिन्स लली, रवि एंड मीना से मिलती है, और सभी कजिन, सारे लोग मृदु को देखकर बहुत खुश होते हैं. दे ऑल वर रियली हैप्पी. मनीज हाउस, रुकमणीज हाउस वॉज ग्लैड टू सी मृदु. देर वॉज अ थिक बिटर बेरी बश इन देअर बैकयार्ड. रवि टुक हर बिसाइड दैट. अब जो उनका कजन है रवि, अब सब कजन्स यूजुअली जब मिलते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं, राइट. सो रवि ने क्या बोला, रवि टोल्ड मृदु दैट लेट्स गो टू द बैक साइड ऑफ द बैकयार्ड. हमें बैकयार्ड की साइड चलना चाहिए, वहां पर हम लोगों ने एक बेरी बुश उगाया है, एंड लेट्स लेट्स गो देयर, लेट्स सी दैट. ओके, सो नाउ किड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैकयार्ड? बैकयार्ड हम सबको पता है क्या होता है? नहीं पता तो मैं आपको बता दूं बच्चों, बैकयार्ड क्या होता है. जैसे भी हम घर के आसपास जो एरिया खाली छोड़ के रखते हैं, यूजुअली बहुत लोग उसमें घास उगाते हैं, तो जो भी हम एरिया आसपास आगे पीछे खाली छोड़ते हैं, सो यूजुअली वो बैक में ही होगा, तभी उसका नाम बैकयार्ड है. तो जो पीछे हम एरिया खाली छोड़ते हैं हाउस के यहाँ पे, अपने घर के यहाँ पे, दैट इज नोन एज बैकयार्ड. सो बेसिकली इट इज अ यार्ड एट द बैक ऑफ द हाउस, ओके, वेयर वी कैन कीप आर स्टफ देयर, या फिर हम लोग कोई ग्रास उगा सकते हैं, या फिर अपनी प्लांटेशन भी कर सकते हैं वहां पे. सो वो उसको वहां पर पीछे लेकर गया, और उसने क्या बोला कि यहाँ पे हमने बेरी बुश उगाया है. ओके, देयर वॉज स्मॉल लिटिल किचन इन साइड अ टॉर्न फुटबॉल. ओके, बेरी बुश क्या है, अगेन इट इज अ काइंड ऑफ आई थिंक प्लांट ओनली. अब बच्चों उसी टाइम पे उन्होंने क्या देखा, एक स्मॉल लिटिल किटन, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा, छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, इन साइड अ टॉर्न फुटबॉल. देयर वॉज अ स्मॉल किटन, और वहां पे उसी पेड़ के वहां पे एक फुटबॉल थी उसके अंदर, जो कि फटी हुई थी. टॉर्न मतलब ऑब्वियसली ऊपर से खुली हुई होगी, जिससे वो किटन जो थी वो अंदर चली गई. द बेबी किटन वॉज इन साइड द फुटबॉल. द स्मॉल क्रिएचर वॉज बिजी ड्रिंकिंग मिल्क दैट वॉज केप्ट इन साइड अ हाफ शेल ऑफ अ कोकोनट. और जो वो स्मॉल क्रिएचर, जो वो किटन थी, वो क्या करने में बिजी थी, वो वहां पे दूध पीने में बिजी थी, जो कि कोकोनट के शेल में रखा हुआ था. ऑब्वियसली दैट वॉज अ किटन, तो वो दूध तो पिएंगी सही. तो ये हो गया बच्चों की हु वॉज मृदु, हु वॉज रुक्मणी, एंड हु वर लली, रवि एंड मीना. ओके, यस अर्पिता, आई हैव केप्ट इट एट 9:40. वी विल कवर इट, हम खत्म कर देंगे उसको 11 बजे तक बाय मैक्स. ओके, हाय संजू, प्रतिमा, खुशवा, हाउ आर यू बच्चा? भविष्य द क्विज सीरीज वील स्टार्ट ऑन लेट्स क्रैक 7 CBSE ऑल्सो. अगर वो ड्यूअल सेशन हुए, दैट मीन्स अगर उसमें जयंत सर एंड अनुजा मैम भी हुए, तो उसमें से हम कुछ सेशन लेट्स क्रैक 6th और 8th पे भी ले लेंगे, बट लेट्स क्रैक 7 CBSE पे भी वो सेशन डेफिनेटली होंगे. ओके, द नॉन अकेडमिक क्विज सीरीज. चलिए, now who was the kitten, let's see who was the kitten. Meena informed Mridu. who was Meena? Meena was Rukmani's daughter, Mridu's cousin. so Meena informed Mridu that they have found the kitten outside their house in the morning of that day.
मीना ने क्या बताया, अपनी कजन मृदु को बताया कि जो ये किटन है ये हमें सुबह ही हमारे घर के बाहर मिली थी, बट दे मस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट अदरवाइज द ग्रैंड मदर विल लीव देयर हाउस इमिजिएटली। और उसने मृदु से क्या बोला, हमें इसको किटन वाली बात को एक सीक्रेट बना के रखना होगा, अगर हमने सबको ये चीज बता दी, अगर सबको पता चल गया कि हमारे घर पे एक किटन है और वो पीछे छुपी हुई है बैकयार्ड में, वो जो दादी माँ है वो घर छोड़ के इमिजिएटली भाग जाएंगी। ओके, नाउ रवि वाज रियली अपसेट दैट दे वर बीइंग टॉट टू बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स, बट व्हेन ही वाज ट्राइंग टू डू सो एल्डर्स वर स्क्रीमिंग एट हिम कॉलिंग द किटन अ डर्टी क्रिएचर। तो यार ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी यार, ठीक है, दिस इज सो सो नाइस थिंग कि यार यूजुअली है ना हमें स्कूल्स में हमें क्या सिखाया जाता है कि वी शुड बी काइंड टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग एंड वी शुड बी काइंड स्पेशली टुवर्ड्स एनिमल्स बिकॉज दे कांट स्पीक। तो रवि यही बोल रहे कि हमें तो ये सिखाया गया कि हमेशा आपको दयालु रहना चाहिए एनिमल्स के प्रति, बट नाउ व्हाट आर एल्डर्स डूइंग, आर एल्डर्स आर स्क्रीमिंग, वो हम पे जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और उस बेचारी किटन को दे आर कॉलिंग अ डर्टी क्रिएचर। डर्टी क्यों यार, जो भी यार बाहर के डॉग्स होते हैं बाहर के कैट्स होते हैं उन्हें लोग बोलते हैं ना, दे आर डर्टी क्रिएचर, दैट मीन्स ये गंदे होंगे मिट्टी में लोटपोट होके आते हैं, सो दैट वॉज द मीनिंग बाय डर्टी क्रिएचर। ओके मैम, आपने बता नहीं इंग्लिश का बुक पढ़ा दिया, कौन सा इंग्लिश का बुक पढ़ा दिया, समझ भी नहीं आया अंकित मुझे आपका क्वेश्चन। यस अर्पिता, नंदिता वॉज देयर एट द दिवाली मीटिंग, शी स्टार्टेड हर कैमरा जस्ट जस्ट वंस एंड शी वॉज वेयरिंग दैट स्पेक्स एंड पिंक सा स्वेटर काइंड ऑफ, बिकॉज उनके यहाँ बहुत ठंड होती है, सो आई आई सॉ हर। ओके हाई नंदिता, हाउ आर यू बच्चा, आई वेलकम यू इन माई क्लास। तो बच्चों अब जो है रवि को है, जो मृदु के कजन है रवि, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि दिस इज नॉट द राइट वे टू टॉक अबाउट एनिमल्स। ओके, हिज ग्रैंड मदर वॉज सस्पिशियस वाइल ही वॉज टेकिंग आउट मिल्क फॉर द किचन फ्रॉम किचन। अब क्या हुआ बच्चों, जो दादी माँ थी वो बहुत ही सस्पिशियस हो गई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पिशियस, लेट मी नो क्विकली, आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पिशियस। वो सस्पिशियस हो गई जब उन्होंने किसको देखा, जब उन्होंने रवि को किचन से दूध निकालते हुए देखा, सो नाउ शी वाज रियली सस्पिशियस कि ये जो है ये दूध निकाल क्यों रहे हैं और ये दूध निकाल के कहाँ जा रहे हैं। सस्पिशियस मतलब क्या होता है बच्चों, जब हमें लगता है ना कि ओ माय गॉड समथिंग इज रॉन्ग, कुछ डेंजरस हो रहा है, कुछ तो डिसऑनेस्टी यहाँ पर है, जो हम बोलते हैं दाल में कुछ काला है, सो एक ऐसी बिलीफ होना दैट समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन या कुछ डिसऑनेस्ट काम हो रहा है, तो ऐसा बिलीफ होना कि कुछ गलत हो गया गलत चल रहा है, दैट इज यू नो सस्पिशियस होना। सो ही हैड टू ड्रिंक मोर देन हाफ ऑफ द मिल्क टू मेक हर बिलीव दैट इट वॉज फॉर हिमसेल्फ ओनली, और उनको दादी माँ को यकीन दिलाने के लिए कि कुछ भी गड़बड़ नहीं चल रही है, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ही ड्रैंक मोर देन हाफ ऑफ द मिल्क, आधे से ज्यादा दूध उनको खुद को पीना पड़ा रवि को, ताकि दादी माँ को यकीन हो जाए दैट यू नो द मिल्क वॉज ओनली फॉर रवि, इट वॉज नॉट फॉर समवन एल्स। तो दादी माँ वॉज बींग लाइक, जिसे बोलते हैं ना यार सीआईडी में वो एसीबी प्रद्युमन बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, दया पता लगाओ उसका। सो सिमिलरली यू नो सेम सेम वॉज हैपनिंग विद ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर वॉज लाइक यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पता लगाना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ चल रही है। ओके वेरी गुड नंदिता, भविष्य इज इट क्लियर, ऐसी बिलीव होना ऐसा सोचना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ डिसऑनेस्ट काम हो रहा है। ओके चलिए, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट पार्ट। अब आपसे कोई पूछे कि हु वॉज महेंद्रन, आपसे कोई पूछे कि महेंद्रन कौन था चैप्टर में, तो बच्चों रवि ने अपनी कजन मृदु को बताया दैट हमने इस किटन का नाम क्या रख दिया है, वी हैव नेम दिस किटन एज महेंद्रन। ओके मृदु लव द नेम बिकॉज इट साउंडेड रियल अनलाइक दोज क्यूट वंस यू कीप फॉर द किटन्स। अब जो मृदु थी उनको महेंद्रन नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यूजुअली क्या करते हैं किटन का कैसा नाम रख देते हैं, कुछ क्यूट क्यूट से नाम रख देते हैं, राइट कैसे कैसे नाम होते हैं लोगों की किडीज के, लोग कैसे नाम रखते हैं, पीपल पीपल कॉल देम बेला, पीपल कॉल देम कुछ और नाम से, बट क्यूट क्यूट नाम रखते हैं अपने किटन्स के। लेकिन रवि ने किटन का नाम क्या रखा था, महेंद्र। नोबडी कैन इवन एवर गेस कि किसी कैट का नाम, किसी किटन का नाम कोई महेंद्रन रख सकता है, इस वजह से मृदु को वो नाम बहुत ही अच्छा लगा था। ओ माई गॉड दिस इज सो रियल, दिस इज नॉट लाइक द यू नो फेक क्यूट वंस,
So that's why Mridu loved the name Mahindran. Okay. Ravi further added that its complete name was Mahindra Verma Pallava Pune and MP Pune in short. Okay. Ab Ravi ne kya bataya? Ravi ne bataya ki Mahindran to hum use pyar se bol rahe hain. Full name kya hai? Mahindra Verma Pallava Pune. And आप शॉर्ट में चाहो तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो एमपी पुणे. एमपी की फुल फॉर्म क्या है? महेंद्र वर्मा पलावा. ओके, सो हैव यू एवर सीन कि कोई अपनी कैट का नाम एमपी पुणे रखता हो? नो, वी हैवंट सीन इट येट. ओके, नहीं बेटा पूरी नहीं पढ़ाई, बट डोंट वरी, आई विल टेक फ्यू सेशंस. ठीक है, डोंट वरी बच्चा. अब हम लोग लाइव आ पाएंगे 9th एंड 10th पे, तो डोंट वरी, मैं आपको नवंबर में उसके चैप्टर्स भी करवा दूंगी. ठीक है बच्चा? ओके अंकित, वी विल डू दैट आल्सो, क्योंकि हम लाइव नहीं आ पा रहे थे ना उस पे, बट आज से ही वो टेक्निकल इशू ठीक हुआ है, सो वी विल डेफिनेटली डू इट. ओके, डोंट वरी. चलिए, yeah, so let's get back to our chapter. So अब क्या हुआ बच्चों, it was the first time कि हमने किसी cat का नाम इतना different देखा होगा, that was MP Pune. Ravi told Mridu कि हमने अपने cat का नाम रखा है MP Pune. Okay, he informed her that he could make it from its fur, that it was fine breed cat, a close relative of lion family. अब वो क्या करने लग गया बच्चों, वो explain करने लग गया. ठीक है, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा, वो एक्सप्लेन क्या कर रहा था कैट के बारे में, कि ये कौन सी फैमिली से आती है, ये लायन फैमिली से बिलोंग करती है. दैट मींस पूरी हिस्ट्री बताने लग गया कैट्स की. ओके, ही इन्फॉर्म्ड हर ही कुड मेक इट फ्रॉम इट्स फर, दैट इट वाज अ फाइन ब्रीड कैट. और उसने क्या बोला, मैं इस कैट को देखते ही, मैं इसके फर से इसको पहचान गया कि ये लायन फैमिली की क्लोज रिलेटिव है, जैसे कि पल्लवा किंग्स हुआ करते थे यूज्ड इन देयर एम्बलम. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बलम किड्स? नहीं बच्चे, मैं दिसंबर में दोनों पे पढ़ाऊंगी, डोंट वरी. ओके, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मैनेज. हो सकता है ऑल्टरनेट पढ़ाऊं, हो सकता है डेली पढ़ाऊं, देखते हैं, मुझे शायद ऑल्टरनेट करना पड़े, बट लेट्स सी. अ क्लोज रिलेटिव ऑफ लायन फैमिली लाइक द वन दैट पल्लवा किंग्स यूज्ड इन देयर एम्बलम. एम्बलम का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ जिसको पता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बलम? भविष्य. Let me know quickly, what is the meaning of emblem? बच्चों basically emblem का मतलब होता है कोई symbol या symbolic device, ठीक है, जो कि हम usually use करते हैं अपने nation को represent करने के लिए, organization को या family को represent करने के लिए. So basically emblem means symbol. तो उन्होंने जो Pallava kings का जो symbol देखा था, उसमें उन्होंने वो photo जो है वो lion की, cat की photos वहां पे देखी थी. Okay? So he informed her cousin Mridu. He informed his cousin Mridu that मैंने इसकी जो फर है, cat का जो फर है, उसको देख के पता लगा लिया कि ये एक बहुत ही fine breed cat है और एक बहुत ही अच्छी family से belong करती है, close relative है lion की. ठीक है, breed भैया बच्चों हम सबको पता है what is the meaning of breed. जो हम बोलते हैं ना, ये dog इस breed का नहीं है, इस breed का है, right? ये German Shepherd है, it is a Pomeranian breed. तो breed मतलब क्या होता है बच्चों? Breed means जो भी उनकी, क्या बोलेंगे यार उसको हिंदी में, I don't know हिंदी of that. ये basically उस distinctive species की हम बात करें तो वो होती है बच्चों breed. Okay? तो वो बोल रहे हैं जो Pallava kings के symbol में मैंने देखी है, ये बिल्कुल वैसी लग रही है. To this Mridu giggle which instigated Ravi to prove his knowledge about the history further. अब जब वो अपनी बहन को, अपनी कजन को ये सब हिस्ट्री की बातें बता रहा था, ये सब सुन के एक्चुअली मृदु को हंसी आ गई. शी गिगल, ऑब्वियसली यार किसी को भी हंसी आएगी जब हम कैट के बारे में इतने डिटेल में बात करेंगे, जब हम कैट का ऐसा नाम रखेंगे. सो इट वॉज समथिंग, यू नो, इट वॉज रियली फन. तो इस वजह से रवि को और, यू नो, ही वाज इंस्टिगेटेड, उसको वो और प्रोवोक हो गया दैट नाउ आई वांट टू प्रूव माय नॉलेज अबाउट हिस्ट्री मोर. अब मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में और नॉलेज दूंगा जो जो मुझे पता है. नाउ ही स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी. ऑन अ स्कूल ट्रिप टू महाबलीपुरम ही हैड सीन स्टैच्यू ऑफ अ लायन एंड ही फर्मली बिलीव्स दैट इट वॉज द एंसेस्टर ऑफ दैट किटन.
वो क्या बोलता है, जब मैं महाबलीपुरम गया था अपने फ्रेंड, तब मैंने एक लायन का स्टैचू देखा था और मैं बिल्कुल श्योर हूँ जो किटन हमारे बैकयार्ड में अभी मौजूद है, ये कहीं ना कहीं उसी लायन की क्या है एंसेस्टर, वो क्या बिलीव करते हैं कि जब लायन है कहीं ना कहीं उस किटन का एंसेस्टर है बच्चों। तो बहुत लोग बोलते हैं दैट यस किटन बिलोंग्स टू लायन फैमिली, क्योंकि आपने देखा होगा जो उनका चलने का तरीका है, जो उनका फेस का दिखने का तरीका होता है, जो उनके फीचर्स हैं, देन जो उनकी वो मुस्टैच होती है लायन एंड कैट की, और जैसे बिल्ली पेड़ पे चढ़ जाती है हमारा जो लायन है वो भी ट्री पे चढ़ सकता है। तो वी ऑल नो कि किटन्स जो है कहीं ना कहीं, जो कैट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिलोंग करती है लायन फैमिली से, कहीं ना कहीं लायन उनके डेफिनेटली क्या है एंसेस्टर है, दैट मींस उनके पूर्वज है। ओके ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन यहाँ पे सबको? चलिए लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी आगे क्या हुआ बच्चों। चलिए, ही प्राउडली अनाउंस दैट स्मॉल किटन इज द डिसेंडेंट ऑफ महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उन्होंने क्या बोला कि जो मैंने महाबलीपुरम में जो वो लायन का स्टैच्यू देखा था ये उसकी डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब वो कहीं ना कहीं इसके एंसेस्टर्स हैं, ये वो उसके पूर्वज थे और ये कहीं ना कहीं उसकी ही फैमिली से बिलोंग करती है जो किटन हमारे बैकयार्ड में अभी इस टाइम पर मौजूद है। सो यू नो ये हमारी एंसेस्टर, ये लायन की, लायन इसका एंसेस्टर था। ही रिमाइंडेड मृदु ऑफ कैट्स बीइंग वर्शिप्ड इन एशियंट इजिप्ट, और समझो तुम्हें याद है एशियंट इजिप्ट में जो कैट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी, तो ये चीज उसने किसको याद दिलाई, अपनी कजन मृदु को। ओके ही बिलीव्ड इट टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ कैट गॉडेस बेस्टेट, और वो क्या बोलती हैं, उन्होंने क्या बोला कि इजिप्ट में जो भी कैट थी उनकी पूजा की जाती थी, तो जो कैट गॉडेस थी उसका उनका नाम क्या था, बेस्टेट, और ये कहीं ना कहीं उनके खानदान से ही है, ये उनकी ही कहीं ना कहीं बच्चों की बच्चों की बच्चों की बच्ची होगी। सो ये किटन जो है ये इसके एंसेस्टर वो लायन थे जो मैंने महाबलीपुरम में देखे थे, या फिर ये क्या है डिसेंडेंट है हमारी कैट गॉडेस बेस्टेट की, जिनकी पूजा की जाती है यूजुअली इजिप्ट में। ओके इज इट क्लियर सबको बच्चों यहाँ तक? अभी थोड़ा सा आपको ये चैप्टर में भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो, लेकिन इसके इंटरेस्टिंग पार्ट और आएंगे और आपको समझ में आएगा दैट व्हाई दिस चैप्टर इज नोन एज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल। ओके तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका नाम हमने अ गिफ्ट ऑफ चप्पल क्यों रखा है चैप्टर का। ओके चलिए द क्रीच नॉइज। ओके अब तो ये हो गई, उन्होंने पूरी स्टोरी सुना दी दैट यू नो दिस वॉज द हिस्ट्री दैट वॉज द हिस्ट्री, ये हुआ वो हुआ, बट नाउ लेट्स सी दैट यू नो बेसिकली इस चैप्टर का नाम गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों है। ठीक है ना, रवि वॉज बिजी इन मेकिंग ऑल प्राउड अनाउंसमेंट अबाउट अबाउट हिज किटन व्हेन अ वियर्ड साउंड केम फ्रॉम द विंडो। ठीक है, अब जो हमारे रवि हैं वो बिल्कुल अपनी हिस्ट्री सुनाने में बिजी थे, ये लायन इसका एंसेस्टर था, ये कैट गॉडेस की बेटी है, ये वो, ऑल दीज डिस्कशंस वर गोइंग ऑन विद निधु, चल रहा था रवि का अनाउंसमेंट, एंड देन सडनली अ क्रीच साउंड केम फ्रॉम द विंडो, तभी अचानक से खिड़की से बच्चों आवाज आई, एंड मृदु वॉज शॉक्ड व्हाइल महेंद्रन वॉज फ्राइटेड। नाउ हु वॉज महेंद्रन, कोई आदमी का नाम नहीं है, इट वॉज द कैट, इट वॉज द किटन। तो मृदु शॉक हो गई यार कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, और जो महेंद्र थी वो इतना डर गई कि वो जंप करके कहाँ चली गई, महेंद्रन जंप्ड विथ फियर ऑन अ ट्राई और रेड चिलीज केप्ट अंडर द सन फॉर ड्राइंग। अब क्या हुआ यहाँ पे, यू नो देयर वॉज द चिलीज वर यू नो केप्ट हियर, यहाँ पे चिलीज रखी हुई थी क्योंकि हम लोग रखते हैं ना यूजुअली सूरज की धूप में सूखने के लिए सनलाइट के वहां पे, और जो वो कैट थी बच्चों वो इतना ज्यादा डर गई, हाउ वी यूज टू ड्रॉ अ कैट बचपन में लाइक दिस, ओ माय गॉड माय कैट इज लुकिंग सो स्कैरी। दिस इज क्यूट, दिस इज स्कैरी, आई डोंट नो। सो नाउ कैट व्हाट 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 महेंद्रन डिड, महेंद्रन द किटन शी जम्प्ड ओवर टू दिस रेड चिली थिंग, जहां पर रेड चिलीज रखी थी, लाल मिर्ची रखी थी सूरज में सूखने के लिए, क्यों वो कूद गई बच्चों वहां पे, बिकॉज शी वॉज रियली स्केयर्ड ऑफ दैट यू नो क्रीच साउंड दैट वॉज देयर फ्रॉम द विंडो, दैट केम फ्रॉम द विंडो। ओके क्लियर टू एवरी वन वाई शी जम्प देयर? जो क्रीच का मतलब क्या होता है, आई थिंक इट इज एन अनयूजल साउंड। ओके
लेट मी टेल यू एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्रीच की कौन सी आवाज होती है. तो लेट मी नो बच्चों, क्रीच साउंड जो होती है वो किससे किससे सिमिलर होती है, किससे मिलती जुलती है. लेट मी नो क्विकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीच और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रीचिंग. लेट मी नो फास्ट, क्रीच साउंड किससे मिलती है बच्चों, किस तरह की साउंड होती है क्रीच साउंड. While the creaking now while the creaking noise continuing on the background, Mridu inquired what it was. अब वो अजीब सी जो weird आवाज थी बच्चों, वो पीछे से continuously चल रही थी, लेकिन अब मृदु वॉज रियली शॉक कि यार ये आवाज किस चीज की है. सो शी इंक्वायर्ड कि ये इतनी देर से जो आवाज आ रही है ये किस चीज की आवाज आ रही है. ओके, रवि इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन. रवि की जो बहन है उनका नाम क्या था, ललिता, जो उनकी रियल सिस्टर थी. मृदु और लली क्या थे, कजन्स थे. तो रवि ने क्या बोला, वो लली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है, उसका म्यूजिक क्लास चल रहा है अभी, इस वजह से कि तुम्हें इतनी अजीब आवाज आते हुए सुनाई दे रही है. तो यही चेक करने के लिए वॉट डिड मृदु डिड वॉट मृदु डू एट दैट टाइम, वॉट डज वॉट शी डज एट दैट टाइम. मृदु ने क्या करा, मृदु ने विंडो से झांक झांक के देखा. ओके, झांक झांक के क्या देखा कि यार लली क्या कर रही है. एंड देन एट दैट टाइम शी सॉ लली वाज होल्डिंग द वायलिन इन एन ऑकवर्ड पोजीशन, सिटिंग अ बिट अवे फ्रॉम हर म्यूजिक टीचर. तभी उसने क्या देखा बच्चों, लली कैसे बैठी है, यहाँ सामने उसके म्यूजिक टीचर बैठे थे, यहाँ पे वो गद्दा वद्दा लगा के, हेयर द म्यूजिक टीचर वॉज, वो उनसे दूरी पर बैठी है उनके सामने, यहाँ पे लली वॉज सिटिंग. तो ये उसने कहाँ से देखा, खिड़की में से देखा. ओके, यस भविष्य इज राइट, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी. ओके, हाय प्रिया, हाउ आर यू बच्चा. सो दोज हु हैवंट लाइक द वीडियो येट प्लीज डू इट एंड क्विकली सब्सक्राइब टू आवर चैनल बच्चा लोग. चलिए, तो अब बच्चों मृदु ने क्या देखा, मृदु सॉ दैट व्हाट लली वॉज डूइंग इनसाइड द रूम एंड व्हाट शी सॉ. She saw that लली was learning to play the violin और वो एक अजीब सी awkward position में बैठी है अपने music teacher की तरफ. उन्होंने क्या कर रखी, back कर रखी, रुको, sitting a bit away from her music teacher who had his back towards the window. अब क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये उनके म्यूजिक टीचर है, ठीक है, I'll draw it again for you ताकि you can understand the positions. ये बच्चों यहाँ पे विंडो थी जहां से लली यू नो झांक झांक के इस विंडो में से देख रही है. This was the window जिसमें से लली देख रही थी, और यहां पे बैठे थे उनके इधर म्यूजिक टीचर, ठीक है, ये बैठे हैं वो. तो जब लली यहां से उनको देखेगी तो उनकी क्या नजर आएगी, बैक नजर आएगी, पीठ नजर आएगी. दिस वॉज द पोजिशन विच विच मृदु डिस्क्राइब्ड. ओके, द टीचर वॉज बॉल्ड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर फॉलिंग ग्राउंड His ears. और बच्चों अब टीचर का डिस्क्रिप्शन आया है कि उनका जो म्यूजिक टीचर था, who was the music teacher who used to teach Lali how to play violin, वो कौन थे बच्चों, म्यूजिक टीचर थे. अब म्यूजिक टीचर दिखने में कैसे थे बच्चों, he had his head was bald, that means वो गंजे थे, and he had a fringe of oiled black hair falling around his ears. अब उनके बाल कैसे थे बच्चों, उनके वो तो थे तो गंजे, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रिंज. फ्रिंज मतलब होता है छोटे से बाल होते हैं ना जो आगे से आते हैं, उनके पीछे आ रहे होंगे, छोटा सा फ्रिंज होना. अगर किसी के पास फोटो है एनसीईआरटी की तो आप मुझे वो भी सेंड कर सकते हैं. ओके, मुझे जितना याद है बच्चों, मैंने पढ़ा था लास्ट ईयर ये चैप्टर, तो उनके ऐसा पूरा टकला था और पीछे यहाँ पे छोटे से जैसे वो चोट टाइप होती है ना जो हमारे पंडित जी की होती है. लेट मी ड्रॉ एक बार फटाफट से, आप चेक करो भविष्य, शायद म्यूजिक टीचर की फोटो दी हुई थी एनसीईआरटी में. सो दिस वाज इज बॉल्ड, ये पूरे ही गंजे यहाँ से, और छोटी सी चुटिया टाइप होती है ना जैसे पीछे से होती है, जितना मुझे याद है पंडित जी की ऐसी वो, पंडित जी जैसी उनकी वो थी, ठीक है. देयर वाज गोल्ड चेन इन हिज नेक, उन्होंने अपने नेक में गोल्ड चेन पहनी हुई थी और उनके हाथ में रिंग थी. ही हैड अ बिग टो व्हिच वाज थंपिंग द ग्राउंड, और उनका जो पैर का जो अंगूठा था, जो बिग टो होता है, दैट वाज रियली बिग, एंड ही वाज थंपिंग, और इससे वो क्या कर रहे थे, ही वाज थंपिंग अगेन एंड अगेन द ग्राउंड. ओके,
दैट मीन्स उससे वो बार बार ग्राउंड पे मारकर एक एक नॉइज जो है, एक साउंड जो है वो क्रिएट कर, जैसे थम्पिंग के, तो जैसे हमारे हार्ट की धड़कने की साउंड होती है ना, वैसे ही बार बार वो उससे साउंड क्रिएट कर रहे थे बार बार अपने अंगूठे को ग्राउंड पे टच करके मार के. ओके, ही वॉज प्लेइंग द नोट्स परफेक्टली ऑन द वायलिन व्हाइल लली वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड. अब जो उनके म्यूजिक टीचर उनको सिखा रहे थे वायलिन बजाना, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से बजा रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छे से, यू नो ही वॉज प्लेइंग द वायलिन एंड देन, बट लली वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड. लेकिन लली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी उन सब कुछ चीजों को सीखने में. His tracks were filled with melody while Lally continued missing the note CS. ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, उनके जो ट्रैक्स थे वो जो बजा रहे थे, इट वॉज क्वाइट मेलोडियस, उनको सुनने का मन कर रहा था. ये सब कौन बोल रही है बच्चों? इट इज ऑल दिस इज सेड बाय मृदु, क्योंकि वो विंडो के बाहर से ये पूरा नजारा देख रही है. एंड शी डिस्क्राइब्ड हाउ द टीचर लुक्ड. ओके, तो उनके जो ट्रैक्स थे, जो उनका म्यूजिक टीचर थे, जो बॉल्ड हेड थे, जिनके गले में सोने की रिंग, सोने की चेन थी, देन ही हैड रिंग आल्सो, तो वो क्या थे बच्चों, जब वो प्ले कर रहे थे इट वाज रियली रियली मेलोडियस, लेकिन लली जो है वो इतना अच्छे से प्ले नहीं कर पा रही थी. ओके, क्लियर टू एवरीवन? चलिए नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. हाय प्रिया, यू हैवंट रिप्लाइड, हाउ आर यू बच्चा? Now kids, there is again a very good, very nice twist in the story that I really love. ठीक है, तो अब होगी बच्चों बेगर की एंट्री. ओके, ऑल द पार्ट्स आर कनेक्टेड. ओके, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट देम. कुछ बच्चों जो बेगर है, अब वो बेगर कौन था, बेगर की क्या कहानी आएगी, लेट्स सी दैट. चिल्ड्रन वर हैविंग फन पीपिंग फ्रॉम द विंडो व्हेन रुक्मणी कॉल्ड रवि टू सेंड द बेगर अवे. अब क्या हुआ बच्चों, क्योंकि मृदु और बाकी जितने भी बच्चे थे वो बिजी थे किस चीज में, वो बिजी थे ये देखने में कि यू नो म्यूजिक टीचर उन्हें क्या क्या सिखा रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये सब वो सीख रहे थे. ओके, और उसी टाइम पर क्या हुआ, उसी टाइम पर व्हाट दे, उनकी मम्मा ने आवाज लगाई. किसने? रवि, लली, इनकी जो मम्मी थी उनका नाम क्या था बच्चों? उनका नाम था रुक्मणी. सो रुक्मणी कॉल्ड रवि, उन्होंने अपने बेटे को आवाज लगाई. हियर इज अ नेम, रुक्मणी ने आवाज लगाई दैट रवि बाहर एक बेगर आया है हमारे घर के बाहर, जस्ट गो एंड टेल हिम टू गो अवे, उनको यहां से तुम भगाओ. ठीक है, तो अब वो चले जाते हैं बाहर उनको भगाने के लिए. ओके, ही वेंट, ठीक है, ही वेंट एंड ही सेड कि आप यहाँ से जाइए जो भी है. अब बच्चों वो बेगर की स्टोरी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, सो इट वुड बी रियली लवली टू लिसन टू इट. हाय चैडविक, हाउ आर यू बच्चा? How are you? So now, kids, what Rukmini said? Rukmini said that you know she was fed up with the beggar coming to their place for a week now. उन्होंने अपने बेटे रवि को बोला कि तुम जाओ और उस बेगर को भगा के आओ. उन्होंने बोला लास्ट एक वीक से ये रेगुलरली हमारे घर पे आ रहा है एंड आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड, जस्ट गो एंड यू नो इस बेगर को तुम भगा के आओ. रुकमणि ने बोला अपने बेटे रवि को. ओके, द बेगर हैड मेड हिमसेल्फ कंफर्टेबल एट द गार्डन. तब तक जो बेगर है वो गार्डन में आकर बैठ चुके थे. ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द नीम ट्री विथ हिज अपर क्लॉथ स्प्रेड अंडर इट. अब वो क्या करा, वहां पे बाहर जो एक नीम ट्री था वहां पे उन्होंने नीचे क्लॉथ बिछा लिया, कपड़ा बिछा लिया और वो उसके ऊपर आराम से बैठ गया. कौन बैठ गया? बेगर. ओके, ही वॉज अबाउट टू स्नूज वेन ही हर्ड रवि आस्किंग हिम टू लीव. और वो आराम से वहां पे बैठकर थोड़ा लेटने वेटने वाला था, इतनी देर में रवि वहां पर आया और रवि ने क्या बोला, आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, प्लीज गो अवे. ही वॉज शॉक्ड हियरिंग दिस एंड कॉल्ड फॉर लेडी ऑफ द हाउस. ठीक है, और जैसे ही रवि ने उनको बोला, रवि ने उनको बोला कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, यू हैव टू गो, ये सुनते ही बेगर बिल्कुल शॉक हो गया कि ऐसा कैसा बोल सकता है ये बच्चा मुझसे. एंड ही इमिजिएटली सेड कि प्लीज कॉल द लेडी ऑफ द हाउस, आपके घर की जो जो भी बड़ी हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, आपकी मम्मी को आप बुलाइए प्लीज. एंड इरिटेटेड रुक्मणी टोल्ड रवि दैट देयर वॉजंट एनीथिंग लेफ्ट इन द किचन एंड आस्क द बेगर नॉट टू कम अगेन. ओके, और तभी जब वो अंदर गया अपनी मम्मी को बुलाने के लिए, दैट मम्मा द बेगर इज कॉलिंग यू, ही इज नॉट गोइंग अवे, तब रुक्मणी ने काफी इरिटेट होते हुए बोला दैट टेल द बेगर टू गो अवे, हमारे पास किचन में कुछ नहीं बचा है, टेल हिम टू गो अवे राइट नाउ, हम उसे कुछ भी खाने के लिए और नहीं दे सकते हैं. ओके, क्लियर है बच्चों आप लोगों को बेगर का डिस्क्रिप्शन की, हु वॉज द बेगर, ही यूज टू कम डेली टू रुक्मणीज हाउस टू यू नो आस्क फॉर फूड. ओके,
Her voice was so loud that Ravi did not have to repeat her words to the beggar. अब क्योंकि रुक्मणी ने बोला था रवि को कि आप बाहर जाकर ऐसा बोलिए दैट यू नो कि वो इस घर में कल से ना आए और हमसे खाना नहीं मांगे. बट रुक्मणीज वॉइस वॉज सो लाउड, लेकिन रुक्मणी ने रवि की मम्मा ने इतना तेज बोला कि बाहर जहां बेगर बैठा था गार्डन में वहां उनको ऑटोमेटिकली सुनाई दे गया उनकी आवाज. ओके, उनको बिल्कुल भी जरूरत ही नहीं पड़ी कि रवि को बाहर जाके बेगर को खुद से मना करना पड़े, उसको जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि रुक्मणी की वॉइस खुद की ही इतनी लाउड थी. ओके, क्लियर है बच्चों सबको यहां तक? The beggar told them that he would leave after taking rest for a while. और रवि से उन्होंने क्या बोला बेगर ने, बट आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? बेगर सेड टू रवि दैट आई विल गो अवे, मैं खुद से ही चला जाऊंगा. जस्ट लेट मी टेक सम रेस्ट, मुझे थोड़ा सा आप रेस्ट करने दीजिए, आराम करने दीजिए. सो बेगर सेड टू रवि दैट लेट मी टेक सम रेस्ट एंड देन आई विल गो अवे. इट वॉज टू हॉट आउटसाइड एंड देर वर ब्लिस्टर्स इन हिज फीट. लिटरली किड्स कैन यू बिलीव, क्योंकि उनके पास स्लीपर्स भी नहीं थी, द बेगर कुड नॉट अफोर्ड इवन स्लीपर्स, तो वो नंगे पैर घूम रहे थे बेचारे एंड उसकी वजह से उनके पैरों में ब्लिस्टर्स हो गए थे. ब्लिस्टर्स क्या होता है? नंगे पैर चलने की वजह से गरम गरम सरफेस पे, बिकॉज रोड्स आर क्वाइट हॉट इन समर्स, और हम लोग तो हमेशा स्लीपर्स या शूज में जाते हैं. सो वी हैव नेवर फेस्ड सच इशूज, वी हैव नेवर फेस्ड सच प्रॉब्लम्स, लेकिन जो बेगर थे उनके ब्लिस्टर्स हो गए थे. Now, what is the meaning of blisters? Again, it is a good word जो हमें याद होना चाहिए. Blister is बच्चों छाले. बहुत ज्यादा किसी के पैर जल जाता है, हाथ जल जाता है, या रोड पे इतना कॉन्क्रीट उस पे चलने की वजह से हमारे पैर खराब हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, दैट इज नोन एज ब्लिस्टर. द चिल्ड्रन वर इन पेन सीइंग दिस एंड स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स टू गिव हिम चप्पल्स. ओके, वेरी गुड बीबी गेमर्स एंड वेरी गुड रुजल, कीप इट अप. छाले होता है ब्लिस्टर्स का मतलब, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब बच्चों जब उन्होंने ब्लिस्टर्स, जब बच्चों ने क्या बोलते हैं, रवि ने, मृदु ने और इन सब ने जब उसके छाले देखे तो वो इतना उनको दुख हुआ वो देख के, दे फेल्ट द पेन. हु फेल्ट द पेन? ललित तो अपनी क्लास में थी, वॉयलिन क्लास में. रवि, मीना एंड मृदु, दे फेल्ट द बेगर्स पेन कि उनको कितना दर्द हो रहा होगा. सो व्हाट दे डिसाइडेड टू गिव स्लिपर्स, टू गिव चप्पल्स टू देम. उन्होंने डिसाइड करा कि हम बेगर को चप्पल्स डेफिनेटली देंगे. ओके, हाँ नाउ डिड दे गिफ्ट द चप्पल्स टू द बेगर और दे वर नॉट अलाउड बाय देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली मेंबर्स? लेट्स चेक आउट दैट यू नो दे वर एबल टू गिव द चप्पल्स टू द बेगर और नॉट. तो आप में से जितने भी बच्चों ने ये पढ़ रखा है चैप्टर, प्लीज लेट मी नो क्विकली दैट डू यू थिंक यू नो क्या ये पॉसिबल हुआ था कि वो चप्पल दे पाए थे बेगर को? मृदु रिमेंबर्ड सीइंग अ पेयर ऑफ ओल्ड ग्रे चप्पल्स व्हाइल शी हैड एंटर्ड रवीज हाउस. अब मृदु ने क्या याद किया? मृदु को ये याद आया कि जब मैं रवि के घर पे, जब मैं अपनी रुक्मणी आंटी के घर पे आई थी, तब मैंने बाहर गेट के बाहर एक ओल्ड चप्पल देखी थी, अ पेयर ऑफ चप्पल्स देखा था, दैट वॉज क्वाइट ओल्ड, वो काफी पुरानी थी, एंड दैट वॉज ग्रे इन कलर. शी आस्क्ड रवि होम दे बिलोंग्ड टू. और तभी मृदु ने क्या पूछा रवि से कि तुम्हें पता है क्या वो चप्पल किसकी थी? ठीक है, सो लिटरली रुजुल यू रिमेम्बर द चैप्टर स्टिल? आपको याद है रुजुल? ओ माय गॉड यार, आपका अगर आपको याद है तो दैट मींस आपकी मेमोरी तो बहुत शार्प है यार रुजुल. तो शी आज रवि दैट, रवि डू यू नो दैट ग्रे ओल्ड पेयर ऑफ चप्पल्स बिलोंग टू हूम, वो किसको बिलोंग करती हैं? रवि टुक द चप्पल्स एंड गेव इट टू द बेगर एंड आस्क्ड हिम नॉट टू कम अगेन. रवि ने ना तो कुछ सोचा, ना कोई सेकंड थॉट दिया, अपने घर के गेट के बाहर से वो जो चप्पल्स रखी थी, जो ग्रे ग्रे चप्पल्स थी, वो उठाई और बेगर को जाके चुपचाप से दे दी और बेगर को बोला कि अब आप प्लीज यहाँ पे मत आना, इसको पहन के आप चले जाओ. ओके, वेरी गुड रुजल, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बेटा. लिटरली रुजल इज इन 10th एंड ही स्टिल रिमेम्बर्स द चैप्टर, सो दैट्स सच अ बिग थिंग फॉर मी यार, कि बच्चों को 3 3 4 4 साल बाद भी चैप्टर्स याद है. वेरी गुड, सुपर सुपर इम्प्रेस्ड. व्हाट हैपेंड भविष्य?
The beggar went away wearing the chappals and blessing the children. अब बेगर ने आराम से वो चप्पल्स पहनी क्योंकि उनके पैर में इतने छाले थे और बच्चों ने इतना अच्छा काम किया था, इतनी हेल्प की थी और वो बच्चों को ब्लेसिंग दे के आशीर्वाद दे के बेगर जी चलते बने वो चले गए. इट वॉज द टाइम फॉर द म्यूजिक टीचर टू लीव. नाउ ललीज वॉयलिन क्लास, ललीज म्यूजिक क्लास वॉज ओवर नाउ. ललीज म्यूजिक क्लास वॉज ओवर नाउ एंड इट वॉज टाइम for the music teacher, the bald, the ganja music teacher to leave. It was time for him to leave. So now what happened? He called Lali and they looked everywhere but did not find them. और उन्हें लली को बुलाया that Lali आप आइए and आपको पता है कि where are my slippers? मेरी चप्पलें कहाँ हैं? ठीक है. अब nobody knew. किसी को, जितने भी लोग घर में थे उनको नहीं पता था अंदर वालों को कि चप्पल आखिरकार गई कहाँ है. तो इसीलिए जो म्यूजिक टीचर थे लली के, उन्होंने क्या करा, लली को बुलाया अपनी स्टूडेंट को और पूछा कि मैंने अपनी स्लिपर यहाँ रखी थी, ये यहाँ से कहाँ गई, मेरी जो ग्रे ओल्ड स्लिपर्स थी वो. फिर उन्हें नहीं मिली. लली इन्फॉर्म्ड रुक्मणी. लली जो थी उन्होंने अपनी मम्मी जिनका नाम रुक्मणी था उनको इन्फॉर्म किया दैट यू नो माई म्यूजिक टीचर स्लिपर्स आर लॉस्ट. ओके. रुक्मणी क्वेश्चन्ड द चिल्ड्रन. तभी रुक्मणी ने तुरंत किस किस को बुलाया, रवि, मीना और मृदु को, और उनसे पूछा कि क्या तुम में से किसी ने चप्पल्स उठाई हैं? हैव यू पिक द चप्पल्स? शी क्वेश्चन द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन एनीवन पिकिंग अप द चप्पल्स. या तो उन्होंने किसी को बाहर से उठाते हुए देखा हो या उन्होंने गलती से कहीं इधर उधर मस्ती में रख दी हो. तो शी इंक्वायर्ड द चिल्ड्रन दैट इफ यू नो दे हैड सीन एनीवन पिकिंग अप द स्लिपर्स. ओके. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब बच्चों क्योंकि वो चप्पल उठा के बच्चों ने दे दी थी बेगर को, सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अगला क्या हुआ और यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट और किस तरीके से वो लोग बचे. ठीक है. किस तरीके से उन लोगों ने म्यूजिक टीचर को समझाया, लेट्स सी दैट. ओके. रुक्मणी वॉज रियली एंग्री एंड मृदु कुड नॉट कंट्रोल एनी मोर. अब जो रुक्मणी थी, जो रवि, लली और मीना की जो मम्मा थी, उनको इतना गुस्सा आ रहा था दैट यू नो हाउ कैन समवन टेक म्यूजिक टीचर्स स्लिपर्स. हाउ यू नो उनके घर के बाहर से, गेट के बाहर से उनकी स्लिपर्स कैसे गुम हो सकती हैं. एंड मृदु कुड नॉट कंट्रोल एनी मोर. मृदु अपने आप को रोक नहीं पाई. तो बहुत देर बाद फाइनली शी सेड, शी टोल्ड हर दैट दे हैव गिवन द म्यूजिक टीचर्स चप्पल्स टू द बेगर. और बहुत देर बाद मृदु ने रुक्मणी को बता दिया दैट जो म्यूजिक टीचर की चप्पल थी वो हमने बेगर को दे दी क्योंकि उसको क्या हो गए थे, उनके पैर पे छाले हो गए थे. ही हैड ब्लिस्टर्स इन हिज फीट सो वी गेव द चप्पल्स टू द बेगर. रुक्मणी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट. नाउ रुक्मणी वॉज रियली रियली एंग्री. यू नो शी वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड दैट वॉट दे हैव डन. उसको बहुत गुस्सा आ रहा था अपने बच्चों के ऊपर, इंक्लूडिंग मृदु के ऊपर. ओके. बेटा है ना नंदिता, टुडे वी हैव अ स्पेशल क्लास एट 9:40. बच्चा आई एम गोइंग टू टीच यू अ टी फ्रॉम असम. और जितने भी बच्चे मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर 6th, 7th, 8th के भी आना चाहते हैं स्पेशल क्लास में, तो आप कल आइएगा. कल टुमारो एट 9:30 हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्विज लेंगे. ओके. सो रुक्मणी वेंट इनसाइड. अब रुक्मणी अंदर गई और गोपू मामा की न्यू चप्पल लेकर आई. नाउ हु वाज गोपू मामा. गोपू मामा कौन बोल रहा है, मृदु जो है अपने अंकल को, जो रुक्मणी के हस्बैंड थे. रुक्मणी के हस्बैंड थे ना भविष्य. हु वाज गोपू मामा, यू हैव रेड द चैप्टर. रुजुल, यू हैव ऑल्सो रेड द चैप्टर. हु वाज गोपू मामा, रुक्मणी के हस्बैंड थे और कोई और थे. मृदु यूज टू कॉल हिम गोपू मामा. ओके. रुक्मणी अंदर गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी. बिकॉज अल्टीमेटली म्यूजिक टीचर को चप्पल्स तो देनी थी. ही वोंट गो बेयर फीट, वो नंगे पैर तो जाएंगे नहीं बच्चों. नंदिता एक बार बच्चा रिफ्रेश करो और चेक करो स्पेशल क्लास शो हो रही है कि नहीं. मैंने शाम को ही स्केड्यूल कर दी थी. ओके. तो नाउ व्हाट शी डिड, शी वेंट इनसाइड. अंदर वो गोपू मामा की न्यू चप्पल लेकर आई और बिल्कुल जो न्यू ब्रांड न्यू चप्पल्स थी, ब्रांड न्यू चप्पल थी उनके हस्बैंड की, वो उन्होंने म्यूजिक टीचर को दे दी. बिकॉज ऑब्वियसली वो अकेले तो नहीं, वो नंगे पैर तो नहीं जाएंगे. ही विल नेवर एवर गो बेयर फीट. वो नंगे पैर तो म्यूजिक टीचर को भेज नहीं सकते थे और रुक्मणी उनको बता भी नहीं सकती थी कि जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने आपकी जो चप्पल्स हैं वो बेगर को दे दी है आपसे बिना पूछे. ओके.
Yes, Rukmani's husband. Very good, Rujul. The teacher was happy getting the new chappals. Now, the music teacher was really, really happy क्योंकि the music teacher was happy क्योंकि उनको तो बिल्कुल नई चप्पल मिल गई. उनकी खोई क्या थी, बच्चों ने बेगर को दी थी बिल्कुल पुरानी, यू नो, ओल्ड ग्रे चप्पल्स. दे वर रियली ओल्ड और वो बहुत ही बेकार सी हालत में थी, बहुत खराब हालत में थी. ठीक है. यस रुजल, वेरी गुड. यू रिमेम्बर द चैप्टर कंप्लीटली यार बेटा. वेरी गुड. तो म्यूजिक टीचर वॉज सुपर हैप्पी बिकॉज ही गॉट न्यू चप्पल्स, बट स्टिल प्रिटेंडेड एज दो इट वॉज टफ फॉर हिम टू एक्सेप्ट देम. लेकिन मुंह कैसा बनाया म्यूजिक टीचर ने, ही मेड डिफरेंट फेसेस एज इट वॉज लाइक यू रियली डिफिकल्ट फॉर हिम टू एक्सेप्ट. वो कैसे नाटक कर रहे थे, वो ऐसे नाटक कर रहे थे कि जैसे कि बहुत टफ हो ये एक्सेप्ट करना कि यू नो, ओ माई गॉड, आई लॉस्ट माई स्लीपर्स. ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कौन, म्यूजिक टीचर. जबकि वो अंदर से बहुत खुश थे क्योंकि उनकी इतनी पुरानी बेकार सी स्लीपर गुम हुई थी और बदले में उनको इतनी नई और अच्छी स्लीपर मिल गई थी, चप्पल मिल गई थी. बट ही वॉज एक्टिंग एज यू नो कि ठीक है, यू नो, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ रहा है इसको, लेकिन मैं कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ, मुझे तो अल्टीमेटली अपनी चप्पल ही चाहिए थी. ही वॉज प्रिटेंडिंग लाइक दैट. ओके चलिए, लेट्स सी द लास्ट पार्ट. रुकमणि द लविंग मदर, द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी. और क्योंकि रवि एक बहुत ही शैतान बच्चा था, तो जो उनके म्यूजिक टीचर थे वो जाते वक्त क्या बोलते हैं कि रवि वॉज अ मंकी, द टीचर कॉल्ड रवि अ मंकी. तो एक बंदर है पूरे दिन शरारते करता रहता है, दैट्स इट. और उन्हें क्या बोला, यू आर एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान, विच सीम्ड क्लियर दैट रुकमणि डिड नॉट लाइक. सो रुक्मणी बींग जस्ट लाइक आर मदर्स, हमारे मम्मी पापा हमको कितना भी डांट लें, बट इफ एनी वन पॉइंट्स अ फिंगर एट अस, दे आर ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस. वो हमारे खिलाफ कभी भी कुछ नहीं सुन पाते हैं. सिमिलरली जस्ट लाइक दैट, रुक्मणी भी बिल्कुल एक लविंग मदर थी और वो ये सब चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उनके बच्चों का मजाक उड़ाए. तो म्यूजिक टीचर ने क्या बोला कि रवि तो एक बहुत ही शैतान बच्चा है, एंड ही इज जस्ट लाइक अ मंकी हु इज एन इनकार्नेशन ऑफ लॉर्ड हनुमान. ठीक है, आपको पता है ना लॉर्ड हनुमान का जो फेस था, यू नो, इट यूज टू लुक लाइक अ मंकी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकार्नेशन, यू नो, क्वालिटी और स्पिरिट ऑफ लॉर्ड हनुमान. ये सुन के रुक्मणी को, जो रवि की मम्मा थी, उनको बहुत गुस्सा आ गया, दैट हाउ डेयर एनीवन कुड कॉल माई सन अ मंकी. ओके हाय नव्या, प्लीज आस्क बच्चा. Hi Rohan, how are you? So those who have just joined me, if you haven't liked the video yet, please like it quickly, okay, bacha log? And let's finish the chapter. अच्छा, सबको डाउट एक साथ आ गए, नो प्रॉब्लम. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर प्लीज आस्क. ओके अभियंश, इफ यू हैव अ डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर यू कैन आस्क. ओके शी वॉन्टेड द टीचर टू लीव इमिजिएटली. रुक्मणी को बहुत गुस्सा आ चुका था क्योंकि म्यूजिक टीचर ने उनके बेटे को मंकी बोला था, इसलिए वो चाहती थी कि जो उनका म्यूजिक टीचर है वो अभी के अभी उनके घर से चले जाए. आफ्टर ही लेफ्ट शी कॉल्ड द चिल्ड्रन होम एंड ऑफर्ड देम सम स्नैक्स. और जैसे ही म्यूजिक टीचर चले गए, उन्होंने सारे बच्चों को वापस अंदर बुला लिया. किस किस को, मृदु को, रवि को, मीना को, सबको बोला कि आप सब लोग अंदर आ जाइए. हु इज लॉर्ड हनुमान? बेटा ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता तो यू नो आई कांट टेल यू द एंटायर स्टोरी ऑफ रामायण. लेकिन रामायण में यू नो हम सबने पढ़े थे, हमारे राम जी थे, सीता मैया थी. तो राम जी को, सीता मैया को बचाना था क्योंकि रावण उनको किडनैप करके ले गया था. तो हनुमान जी के पास ये शक्ति थी कि वो उड़कर भी जा सकते थे. तो वो लंका तक उड़कर गए थे जस्ट टू सी कि सीता मैया कैसी है, कहाँ है, क्या है. ठीक है, और आई डोंट नो वॉट इज बैड इन लॉर्ड हनुमान. मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है बच्चा. ओके सो आफ्टर ही लेफ्ट शी कॉल्ड द चिल्ड्रन होम. रुक्मणी ने सभी बच्चों को वापस अंदर घर पे बुला लिया एंड ऑफर्ड देम सम स्नैक्स. उन्होंने बच्चों को सबको अलग अलग स्नैक्स ऑफर किए. शी थैंक गॉड दैट गो दे गो टू ऑफिस इन चप्पल्स, बट शी थैंक गॉड. यार थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है इसमें, रुको लाइन में, एक मिनट रुकना. शी थैंक गॉड दैट दे गो टू ऑफिस इन चप्पल्स. यहाँ पे ये होना चाहिए शी थैंक गॉड दैट इज हस्बैंड डजंट नीड्स चप्पल्स इन ऑफिस, दैट ही डजंट गो टू ऑफिस. ये होगा यहाँ पे दैट ही डजंट गो टू ऑफिस इन चप्पल्स, क्योंकि यूजुअली जो उनके हस्बैंड हैं जिनका नाम गोपू था, रुक्मणीज हस्बैंड्स नेम वॉज गोपू. Who was he? He was husband of Rukmani and father of Ravi,
Lali and Meena. Okay, I'm Astik. Okay, नहीं रोहन ये 10th का चैप्टर नहीं, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से अटेंड करते आपको बहुत मजा आता, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था बच्चा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. तो अब क्या हुआ, उन्होंने भगवान से शुक्रिया करा, दैट गॉड थैंक यू फॉर सेविंग मी. अच्छा है मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस में चप्पल्स पहन के नहीं जाते हैं. लेकिन जैसे ही गोपू मामा जो है, मृदु के गोपू मामा जो घर पे वापस आते हैं, घर पे आते ही वो इमिडिएटली क्या करते हैं, अपने शूज उतार के, ठीक है, तो आते ही हम क्या पहनते हैं, चप्पल्स पहनते हैं. ऑब्वियसली सबके साथ ऐसा होता है, जब हम घर से ऑफिस से घर जाते हैं, स्कूल से आते हैं, वी रिमूव आवर शूज एंड देन वी वेयर आवर कंफर्टेबल घर का चप्पल्स. शी वंडर्ड वॉट शी विल टेल हिम, गिविंग हिम अ हिंट दैट शी विल टेक द ब्लेम ऑन हर सेल्फ. ठीक है, और वो बार बार सोच रही थी जब मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से तो मैं क्या बोलूंगी. लास्ट में शी डिसाइडेड दैट यू नो अगर कुछ होगा तो वॉट शी विल से, शी विल नॉट पुट द ब्लेम ऑन रवि, शी विल नॉट पुट द ब्लेम ऑन चिल्ड्रन की बच्चों ने आपकी म्यूजिक टीचर की चप्पल बेगर को दे दी थी क्योंकि उनके पैर में छाले थे, और इस वजह से मुझे आपकी नई नई चप्पल्स जो है वो लली के म्यूजिक टीचर को देनी पड़ गई. मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, आई विल टेक द ब्लेम ऑन माई सेल्फ. ये किसने सोचा, रुक्मणी ने सोचा दैट मैं अपने हस्बैंड को ये बोलूंगी. ओके, क्लियर टू एवरीवन, दैट्स इट किड्स, थैंक यू सो मच. चैप्टर्स नेम इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. ओके अभियांश, यू आर इन विच क्लास, आर यू इन 7th? आज स्पेशल क्लास है बेटा रोहन 9:40 पे. ओके, बट क्योंकि आज स्पेशल क्लास हमारी 10th क्लास की लिटरेचर की है तो मैं सबको आने के लिए नहीं बोलूंगी, बट इन टुमारो स्पेशल क्लास ऑल ऑफ यू कैन जॉइन मी. ठीक है, बिकॉज टुमारो वी हैव अ स्पेशल क्लास एट 9:30 PM वेयर वी विल हैव अ क्विज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सो यू ऑल हैव टू जॉइन मी देयर. ओके, if you are free at 9:30 PM. okay, thank you so much for joining in me. if you were able to understand this lengthy chapter in an hour, okay, then please do like the video. and if you want to attend more quizzes, if you want to participate in more mentee quizzes, and if you want to enjoy such sessions more, then please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon, because as I have promised you, I am going to bring a very fantastic series which most probably I will launch on 29th of November. So I want all of you to stay tuned and to subscribe to our channel, Let's Crack 7 CBSE. बच्चों मैं वो एक सीरीज लाऊंगी आप लोगों के लिए, नॉन एकेडमिक क्विज, वेयर आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, वेयर आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू बॉलीवुड, वेयर आई आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रिकेटर्स. सो इफ यू हैव आइडिया, इफ यू हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, अगर आपको लगता है मैं अच्छा कर सकता हूँ या मैं सीखना चाहता हूँ, देन डू पार्टिसिपेट. यूजुअली वो आपके होंगे बच्चों वीकेंड क्विजेस, तो हम सैटरडे एंड संडे को रखा करेंगे. द सीरीज नेम विल बी वीकेंड फन. वीकेंड फन के नाम से हमारी सीरीज लॉन्च होगी 29 नवंबर से. यस, यूट्यूब पे लॉन्च होगी भविष्य. ओके बेटा, आज एक ही क्लास है यूट्यूब पे. ओके भविष्य, आज एक ही है रोहन एंड भविष्य. यू आर इन विच क्लास अभियांश? ओके, सो टुमारो आई एम गोइंग टू टेक अ क्विज ऑफ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन आवर स्पेशल क्लास एट 9:30 PM. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज फ्रॉम 29th ऑफ नवंबर वी आर स्टार्टिंग वीकेंड फन सीरीज, जहां पे हम लोग बहुत मजाक मस्ती करने वाले हैं आप लोगों के साथ और बहुत ही फैंटास्टिक क्विज लेंगे सैटरडे एंड संडे रोज. 29 नवंबर को स्टार्ट करेंगे एंड पूरे दिसंबर हमारी ये सीरीज चलेगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड. ओके अभियांश, आई थिंक जितने भी मुझे आपके क्वेश्चंस का आंसर पता था मैंने आपको दे दिया है, दैट यस आई डू बिलीव इन गॉड. व्हाट वर द बैड क्वालिटीज इन लॉर्ड हनुमान? आई डोंट नो. हु वॉज लॉर्ड हनुमान? आई हैव टोल्ड यू. ओके, यू आर इन क्लास 10th ना? ओके, यू आर इन क्लास 12th. ओके सॉरी. ओके गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स. ओके डू वेल. चलिए किड्स, बाय बाय, थैंक यू एवरी वन. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग किड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, क्रिएटिव कॉर्नर इज एब्सोल्यूटली फ्री टिल 22nd of November, दैट इज टुमारो. तो जो भी अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं और नवंबर में ही सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा से आज या कल के लिए बोल दीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए, क्योंकि 22nd of November तक क्रिएटिव कॉर्नर एब्सोल्यूट.
What is Creative Corner? A platform where you can practice, you can improve your public speaking skills, where you will be taught robotics, you will get a chance to learn coding, you will get a chance to learn Vedic mathematics. तो ये है हमारा Creative Corner जो कल तक बिल्कुल subscription के साथ free होगा. आप उसके बाद लेंगे, ठीक है? जब आप उसके बाद लेंगे तो बच्चों आपको तब क्या होगा, उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज परचेज द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय ऑसम रेफरल कोड Divya10. अप्लाई रेफरल कोड में इसको अप्लाई कर देना, ठीक है? आपको एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, एंड दिस इज हाउ यू कैन सपोर्ट मी. यार सब लोग यही बोलते हैं कि मैम हमने सारे पैसों के पटाखे ले लिए. यार हमारे यहाँ तो पटाखे बैन थे अभियांश, आई डोंट नो, बट बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये चीज बोली है, ठीक है? तो जिनके पास, जिन्होंने पटाखों में नहीं जलाए हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड Divya10. थैंक यू सो मच, हास्ता ला विस्ता, बाय बाय. सो अभियांश नेक्स्ट क्लास इज ऑफ 10th स्टैंडर्ड, इट इज ऑन एन अकेडमी लर्निंग ऐप, बट इट वोंट बी यूजफुल फॉर यू क्योंकि वो 10th के लिटरेचर की है. इफ इट वुड हैव बीन अ ग्रामर क्लास आई वुड हैव डेफिनेटली invited you to our class. Okay, chaliye, thank you everyone, bye bye, good night, take care kids, and do not forget Divya 10. Okay.